स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास विल लर्न अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इस सेक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, उसको पहले हम देखते हैं। दिस यूनिट डील्स अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है इसके बारे में आप समझोगे, सर्किट डायग्राम क्या होता है इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूटिलिटी क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। देन ओम्स लॉ, फेमस ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे आप। देन रेजिस्टिविटी, ये कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, किस तरह से हम अलग अलग डिवाइसेस को या रेजिस्टर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, दो कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको हम रेजिस्टर्स इन सीरीज भी कह सकते हैं। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। देन करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके एप्लीकेशंस को हम देखेंगे, किस तरह से करंट का हीटिंग इफेक्ट हम यूज में लाते हैं डेली लाइफ में। देन इज इलेक्ट्रिक पावर, ये नॉर्मली यूज होता है कि ये डिवाइस जो है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर रेटिंग क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी के हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो हर जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, हमें इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नजर आते हैं जो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट की बेसिस पे काम करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से आपको डिवाइसेस दिख रहे हैं, मिक्सर, ग्राइंडर, ठीक है, वॉशिंग मशीन, जितने भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के कॉन्टेक्ट में आते हो डेली लाइफ में, वो सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड ही कॉन्सेप्ट हैं। कुछ हायर टॉपिक्स या हायर कॉन्सेप्ट भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये डिवाइसेस मेनली किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। आप घर की टीवी ले लो, ठीक है, फ्रिज ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, छोटे से छोटा डिवाइस ले लो, फैन ले लो, कूलर ले लो, ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड डिवाइसेस हैं। इनके बारे में भी मतलब कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और किस तरह से ये वर्किंग होती है।